सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा में पास होने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने उन छात्र छात्राओं का हौसला भी बढ़ाया जो इस साल सफल होने में कामयाब नहीं रहे। शिक्षा मंत्री ने उन छात्र छात्राओं को हार ना मानने की सलाह दी। रिजल्ट के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा, मेरे युवा मित्रों को हार्दिक बधाई जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की है। सफलता पर खुशी मनाने और साल भर की कड़ी मेहनत के फल को संजोने का पल है। सुखद और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा, कई दोस्त उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो हिम्मत ना हारें। एक परीक्षा किसी भी व्यक्ति की क्षमता को परिभाषित नहीं करती। कड़ी मेहनत करते रहें और अपने सपनों का पीछा करते रहें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में देश की बेटियों की सराहना भी की। उन्होंने लिखा, वर्षों से परिणामों की एक उल्लेखनीय विशेषता छात्राओं का प्रदर्शन कर रहा है। ये जानकर खुशी हुई कि इस साल भी लड़कियां लड़कों से आगे निकल गईं। अब समाज में लड़कियों की शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हमारे पास ज्यादा कारण है। आपको बताते चलें कि इस साल 12वीं कक्षा में छात्र छात्राओं का पास प्रतिशत 87.33 रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6% बेहतर रहा। लड़कियों का पास प्रतिशत 90.68 जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 84.67 रहा।